नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सके। तो आइए दोस्तों, जैसे कि शायद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 अक्टूबर 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, से के साथ बात करते हैं यश में, ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशील होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, साथ ही दोस्तों वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन रविवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी और सद्भिषा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, इस दिन योग की बात करें तो वृद्धि नामक शुभ योग रात्रि के 9:39 रहेगा, उसके उपरांत ध्रुव नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 4:29 से लेकर शाम के 5:55 तक। दोस्तों, चंद्रमा दिन कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार कर जाएंगे। लोगों की कमजोरियों का पता लगाने से अच्छा है कि मनुष्य अपने दुर्गुणों और कमजोरियों का पता लगाए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। दोस्तों, अंधे अंधे का अगर नेतृत्व करेगा तो दोनों खाई में ही गिरेगा। मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वो पहले आपको अपने स्तर पर ले आएंगे और फिर आपको अपने अनुभव से हरा देंगे। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल, और अगर वो ही साफ न हो तो चमकता चेहरे किसी काम का नहीं होता। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरे को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों के रास्ता को भी रोक देता है। जिस चीज़ का आपको ज़्यादा डर लगता है उसी चीज़ को करो, डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में आपकी सोच आपके लिए नई उपलब्धियां तैयार करेंगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि रहेगी। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनाने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक यश में परिवर्तन आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आप में कुछ बेहतर सीखने और फिर करने की दृढ़ इच्छा भी यश में जागृत होने वाले हैं। और दोस्तों, इसके उपरांत यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आर्थिक मामलों में कमी आने की वजह से तनाव रह सकता है। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करें। दोस्तों, किसी नज़दीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से आपका मन आहत होगा। दोस्तों, यश में आपको बता दें कि किसी भी प्रकार को लेन देन संबंधी जो भी मामले हैं, यश में उनसे सावधान रहें और पैसे के लेन देन से यश में आपको बचना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, यश में फिलहाल आप अपने विचारों पर इतने खोए रहेंगे कि वास्तविकता में आपको ध्यान देना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, लोगों से दूर होने की वजह से आपके अंदर जो है उनके प्रति बना डर और भी बढ़ सकता है। व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर परिस्थिति को समझने की आपको कोशिश करने समय होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए यश में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, परंतु दोस्तों सफलता भी अवश्य आपको प्राप्त होंगे। अचानक ही किसी नज़दीकी मित्र या फिर संबंधी से मुलाकात तनाव भरे माहौल को भी दूर करेंगी और सुकून आपको प्रदान करने वाली है। इसके बाद दोस्तों, आप जो है यश में अपनी थकान को भी भूल जाने वाले हैं। दोस्तों, यश में आपको गुस्से तथा जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें, इससे दोस्तों बना बनाए काम भी बिगड़ सकता है और कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकते हैं, तो दोस्तों इनका ध्यान रखें। हालांकि दोस्तों, उनके मनसूबे जो है यश में कामयाब नहीं होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आपने बनाई हुई योजनाओं पर जब तक आप काम नहीं करते तब तक किसी के साथ भी इस बात की चर्चा ना करें।
दोस्तों आपको बता दें कि लोगों द्वारा बोली गई बातों की वजह से आपके मन में डर बन रहा है और इसकी वजह से इस सकारात्मक परिस्थिति को भी आप नकारात्मक बना रहे हैं और आप इन्हें मान रहे हैं। दोस्तों भूतकाल में मिली हुई सीख को ध्यान में रखते हुए आपको यशमय निर्णय लेना चाहिए, ये आपके लिए यशमय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने कार्यों को व्यवस्थित तथा उचित समन्वय बनाकर निपटाने का प्रयास करेंगे और दोस्तों इनमें आप सफल भी रहेंगे। आपको बता दें कि आर्थिक निवेश संबंधी मामलों पर समय अधिक व्यतीत होगा और यशमय सामाजिक गतिविधियों में भी आपका सहयोग आपको सम्मानित रखेगा। दोस्तों यशमय घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के गुस्से का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि आप यशमय उनकी भावनाओं तथा आज्ञा को नजरअंदाज ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यशमय परिस्थिति आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए दोस्तों यशमय परिस्थिति में या फिर परिस्थिति से लड़ना भी आपको व्यर्थ हो सकता है। कुछ बातों में इसमें आपको झुकाव दिखना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जिन बातों में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों उस बातों को यशमय छोड़ दें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिस्थिति में सकारात्मक बदलाव तथा उचित अवसर आपको सुलभ होंगे। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से सुकून रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय ध्यान रखेंगे कि कुछ लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण काम भी अटक सकते हैं। दोस्तों पारिवारिक वातावरण में कहीं ना कहीं कुछ अशांति से महसूस होगी और इसके उपरांत दोस्तों यशमय भाइयों के साथ संबंधी आपके जो संबंध है यशमय उनमें मजबूती बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों आय के साथ साथ खर्चे की अधिकता भी रहेगी और ये आपको यशमय परेशान भी कर सकते हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम की वजह से आप पर तनाव भी बढ़ेगा, बनाई हुई योजना पर टिके रहना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। परिवार से संबंधित जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ सकती है। दोस्तों योजनाओं पर ठीक से टिके न रह पाने की वजह से नई समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है, लेकिन दोस्तों यशमय आपको क्या करना है, अपने कार्यों पर ध्यान को केंद्रित रखना है और आगे चलकर इनका आपको अच्छा परिणाम भी देखने को मिलेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय व्यवसाय में मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। काम काज की छोटी से छोटी जो है बारीकियों का भी आपको गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों नौकरियों में आपके जो मधु व्यवहार तथा उदारवादी स्वभाव की वजह से सभी सहयोगियों के साथ संबंध इसमें उत्तम बने रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कार्य क्षेत्र में पेशे से संबंधित लेन देन अथवा कोई भी डील करते समय बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। दोस्तों काम काज में यशमय बहुत अधिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। नौकरी प्राप्ति के लिए किए गए नए प्रयास का सकारात्मक रिजल्ट भी आपको यशमय प्राप्त हो सकता है। और दोस्तों इसके उपरांत यशमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में से या फिर नौकरी से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप यशमय स्वयं ही लें, किसी पर भी विश्वास करना यशमय आपके लिए उचित नहीं होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यशमय व्यवसाय में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यशमय आप उस पर गंभीरता से अमल करें, क्योंकि यह पार्टनरशिप फायदेमंद साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अपनी मनपसंद जगह पर स्थानांतरण भी मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी यशमय प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा तथा घर का वातावरण भी यशमय सुखद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि पारिवारिक वातावरण सामान्य रहेगा। घर के किसी मुद्दे को लेकर सदस्यों के बीच कुछ नोक झोंक भी रह सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर परिवार में खुशी भरा वातावरण भी रहेगा। पति पत्नी के बीच चल रहे किसी गलतफहमी का निवारण भी यशमय हो सकता है और इससे आप फिर से मधुर अवस्था में आ जाएंगे। और दोस्तों के उपरांत यशमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि वैवाहिक संबंध यशमय उत्तम रहेंगे। सोशल मीडिया व फिर प्रेम संबंध से दूर रहेंगे तो आपके लिए यशमय उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों मौसमी बीमारियाँ जैसे सर्दी जुकाम आदि आपके ऊपर हावी हो सकती है। दोस्तों यशमय आपको ध्यान रखना चाहिए और आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक इलाज करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपको बता दें कि स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक होगा, परंतु माइग्रेन की समस्या उठ सकती है। यशु में आपको तनाव लेने से बचना होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यशु में बेहतर होंगे। साथ ही पेट से संबंधित कोई समस्या भी रह सकती है। गैस व फिर बादी वाली चीज़ों का सेवन यशु में आपको करने से बचना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशु में आपको बता दें कि व्यायाम और योगा पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। तो दोस्तों इन सभी का ख्याल रखें, ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।